अस्सलाम वालेकुम। गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड GHNI, उसका फंडामेंटल और रिजल्ट एनालिसिस करते हैं जी। सबसे पहले तो इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.287 है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। करंट रेशियो आउटस्टैंडिंग है 10.36, क्विक रेशियो 5.18, अगेन आउटस्टैंडिंग, लेकिन नंबर ऑफ डेज पेएबल इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अगर फंडामेंटली देखा जाए तो ठीक है, मतलब ये फंडामेंटली ओके है कंपनी। यही वजह है कि इसकी शेयर प्राइस एक दो बार तो मतलब 1000+ पे भी जा चुकी है, और ये एक बहुत तेज़ी के साथ मूव करने वाला है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका बीटा रेट काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन वन। तो इसका अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 6.62% इनकी सेल्स इंक्रीज हुई है इस साल के दिसंबर क्वार्टर में। पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर की नस्बत कॉस्ट ऑफ सेल्स में कमी हुई है 1.26%, 2-3%। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में थोड़ा सा इजाफा हुआ 0.64% से। एडमिन कॉस्ट 0.31% से कमी हुई है। अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं, अदर इनकम 2.27% बढ़ी है, और फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ से भी कम रह गई है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इन्होंने फर्दर फाइनेंसिंग नहीं ली। और टैक्सेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ। अगर इनका प्रॉफिट देखें हम, टोटल प्रॉफिट तो 9% का इजाफा हुआ है। मीन टू से लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4.16% का लॉस था, और इस बार प्रॉफिट है 4.88%। तो ये एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है अगर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की नस्बत देखें तो। इनकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है अर्निंग पर शेयर भी इस बार हुई है जी 3.49 रुपीज़ पर शेयर, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉस पर शेयर था 2.78। तो ऑलमोस्ट 200+% का जो गेन है अर्निंग पर शेयर के पॉइंट से भी। तो अगर हम इसकी टारगेट प्राइस देखें तो अभी ये ओवर प्राइज्ड है इसकी अर्निंग पर शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टिल इसकी टारगेट प्राइस 360 तक कंसीडर की जा सकती है दिसंबर 2021 तक, क्योंकि अभी ये दोनों क्वार्टर्स में इतना इम्प्रेसिव परफॉर्म नहीं कर सका। ये हाफ ईयर जो रिजल्ट हैं कोई इतने इम्प्रेसिव नहीं आए कि लास्ट ईयर की इनकी अर्निंग पर शेयर्स देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त थी, अभी उसका आधा भी नहीं है। तो इस वजह से इसकी शेयर प्राइस 360 से 400 के दरमियान प्रिडिक्ट की जा सकती है, लेकिन करंटली मुझे ये लगता है इसकी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ये ओवर प्राइज्ड है, लेकिन फंडामेंटल्स इसके काफ़ी क्लियर हैं, तो इस वजह से 400 का टारगेट अचीव करना भी इसके लिए पॉसिबल है।